रहुआ दुर्गा सिंह कमलकांत की बेटी को लाने गया था और अभी तक नहीं आया है। अभी तक तो नहीं आया। चलो ठीक है, तुम्हें ताजुब होगा क्या रे, आखिर अचानक आने का कारण क्या है? किस लिए आए हो इंस्पेक्टर? कहिए ठाकुर, ये बताओ किस वक्त तुम्हारी बेटी दुर्गावती कहाँ है? आखिर हमारी बेटी से क्या बात है? कुछ ऐसे काम होते हैं जो खुद खुद ही से इंसान से होते हैं। ठीक है, तशरीफ लाइए, हम अपनी बेटी को बुलवाते हैं। बहुत अच्छी बात हुआ, जाओ हमारी बेटी दुर्गावती को बुलाकर हमारे समक्ष पेश करो। पापा, ऐसी कौन सी बात है जो अचानक आपने ये? हम बताएंगे, जरूर बताएंगे, बताने के लिए हम आए हैं। आप लोग कैसे? रहने दो, अभी रहने दो, हथकड़ी मत डालो। देखिए दुर्गावती, बात क्या है ये बताइए। वो आपकी सहेली जो सरता है, आप तो उसे जानती होंगे? हाँ जानती हूँ अच्छी तरीके से। क्या हुआ? उसी की जानकारी करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। उसे कल डाकू दुर्गा उठाकर के लिए गया है, और मैं चाहता हूँ कि अगर तुम उसका पता बता दोगी तो वो सरता हमारे हाथ आ जाएगी, और तुम्हारी सहेली की जान भी बच जाएगी और इज्जत भी बच जाएगी। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं, सुनिए। यही तो मैं कहता हूँ, मैं जानती हूँ तुम्हारी बेटी जानती है। अगर विश्वास ना हो तो अपनी बेटी से जानकारी कर लो। हाँ मैं जानती हूँ, क्योंकि वो मेरी सहेली है। एक काम करो, आखिरी बात यह है कि सहेली के होने साथ साथ वो नहीं 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 हकीकत है। नींद में हो तो ठीक है। देखिए देखिए ठाकुर, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, वन मिनट। हाँ बोलो। जवाब तो दे दिया। अच्छा ठीक है, बोलो बोलो। मैं नींद में हूँ। अगर अब जब नींद में हूँ तो पता क्या बताऊँ आप खुद चुप। ठहरो, अरे दीवान जी, खाम खा के लिए जुबान लड़ाते हो? अरे खाम खा के लिए जुबान लड़ाते हो? तो पुलिस वाले हो तो अधिकारी हो तो अपने घर के हो, ठीक कानून। अरे सारी बातें छोड़ो दीवान जी, क्यों क्यों खाम खा के लिए जुबान लड़ाते हो? जहाँ पे खड़े हो ना, देखे ठाकुर, यहाँ कानून मेरे पापा का चलता है। तुम जैसे न जाने कितने चलता होगा या तुम्हारे अधिकारी में है। देखे ज्यादा जुबान मत लड़ाओ, ठीक है सर? आपकी मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि बोलने का नाजायज फायदा मत उठाओ। आपकी इज्जत हो रही है तो आप भी तो समझा। तो मैं बता रहा हूँ दीवान जी, क्यों जुबान लड़ाते हो? मेरी बात समझ नहीं रहे हो आप लोग? आई बात समझ में? मैं आपकी बेटी को ले जा रहा हूँ। आखिरी बात यह है कि वो क्या नाम है उसका, मेरी सहेली जो है। हाँ हाँ सरिता। सरिता हाँ, वो सहेली है, मैं उसको अच्छी तरीके से जानती हूँ। अब उसके परिवार के लोग अगर ऐसी वैसी बात करती हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, उसको देखा जाएगा। तो ठीक है, अब मेरी क्या गलती, मैं क्या जानू? नहीं 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 है कि नहीं, तुम मेरे साथ चलो तो। और जिस तरह हम तुम्हें मान सम्मान इज्जत के साथ ले जा रहे हैं। अब आपके दीवान जी कह रहे हैं मैं अंधी हूँ, अंधा रही हूँ, तो मैं तो देखिए दीवान जी की बात में मत जाइए। ये अंधे और बहरे दोनों चीज है। अरे ठीक है दीवान जी की बातों में मत जाइए, ठीक है ठीक है। चलो दीवान जी, कैसे तुम ज्यादा जुबान लड़ाते हो? कैसे कह दिया भाई? हाँ बोलो। नहीं देखिए गलत वर्ड मत बोलिए भाई, पहले इन्होंने कहा ना।
अच्छा ठीक है, सारी बातें छोड़ो, तुम मेरे साथ चलो। आपके सिपाही हैं आप, मैं चलो ठीक है, तुमको हम हथकड़ी डाल के ले चलेंगे, मान सम्मान के साथ ले चलेंगे, ठीक है। और ठाकुर तुम घबराओ नहीं, जिस तरह हम मान सम्मान से तुम्हारी बेटी को ले जा रहे हैं और उसी तरह मान सम्मान से हम वापस लाएंगे, ठीक है, ये मेरा वादा है। नो, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों सर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। बोलो। अभी आपने कहा कि मुझे आप ले चलेंगे सम्मान के साथ, हाँ। लेकिन मैं क्या जानना चाहती हूँ, बोलो, उसका आप जवाब दें। बोलिए। आप मुझे ले तो चलेंगे, हाँ। लेकिन आप मुझे जवाब दे दें, बोलो, कि मेरी सहेली की गलती क्या है, बस है? ये तो डाकू दुर्गा बताएगा, ये तो डाकू दुर्गा बताएगा कि आखिर उसकी गलती क्या है। डाकू दुर्गा, हाँ हाँ डाकू दुर्गा उसे उठा करके ले गया है, तो वो जानकारी तो डाकू दुर्गा से होगी कि आखिर इसकी गलती क्या थी और उसका गुनाह क्या था, उसका कसूर क्या था। देखिए आप मेरी बात समझिए। बोलो। उसकी गलती है लेकिन मेरी गलती नहीं है, लेकिन अगर गलती किया है तो प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ। हाँ, बोलो। उसकी गलती को माफ कर दो, आपको ले चलना मुझे ले चलो, लेकिन थोड़ा रहम कीजिए। देखिए ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। जी जी, सब काम देखिए, काम बनाने से बनता है और बिगाड़ने से बिगड़ता है। बस तुम मेरे साथ चलो, सारे काम तुम्हारे हो जाएंगे, ठीक है, चलो मेरे साथ। हाँ चलिए। पापा पापा, वो मेरी सहेली है, मैं जा रही हूँ। हाँ हाँ, आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए, मैं जिस तरीके जा रही हूँ उसी तरीके वापस आ जाऊंगी, ठीक है पापा। तुम बिंदास हो कंदा, जा बेटी। तो पापा आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए, जाओ दीवान जी, जाओ खड़ा, तुम्हें देख लूंगा। निरहुआ बाबू, ये इंस्पेक्टर वहाँ हमारी बेटी को ले गया, हाँ। ये रिमांड पर क्या पूछताछ करेगा रे? अबे तो इंस्पेक्टर जाने, हम जहाँ आप वहाँ। इंस्पेक्टर वहाँ की कोई कमजोरी तू जानता है? बहुत बड़ी कमजोरी जानता हूँ लम्बरदार। क्या जानता है? इसकी बूढ़िया माँ है, जो झोपड़ पट्टी में रहती है, जिसका नाम सरोला है। सरोला, ये सरोला का बच्चा है, ये सरोला का लौंडा है। तो चलो हमारे साथ, सबसे पहले हम अपनी हिरासत में सरोला को लेते हैं। क्या नहीं? उसके बाद हम कुलदीपवा को सबक सिखाएंगे। क्या नहीं? ठीक है, आज मैं इंतजार करती हूँ अपने बेटे का। अब सुनो कान को खोल कर सरोला, हमारी बात को तो ध्यान से, बात मेरी और सरोला सुनो। मेरी सरोला सुनो, मेरी बेटी को बेटा तेरा ले गया, उससे कह के छुड़ा दी और मेरी बेटी को, वरना होगा नतीजा बहुत ही बुरा। उससे कह के छुड़ा दी और मेरी बेटी को, वरना होगा नतीजा बहुत ही बुरा। नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। चल हरामजादी हमारे साथ, जब तक तेरा बेटा हमारी बेटी को लेकर नहीं आएगा, तब तक तुझे हमारी हिरासत में रहना होगा।
चाचा जी भी नहीं है अड्डे पे, थक भी चुका हूँ, थोड़ा आराम कर लेते हैं, उसके बाद जो चाचा जी कहेंगे वही काम। पिता ठाकुर रघुराज प्रताप सिंह बोल रहा हूँ। उठ बेटा उठ, कमलकांत और प्रताप सिंह को जब तक मौत के घाट नहीं उतारेगा, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी बेटा, नहीं मिलेगी। उठो भैया, मैं तुम्हारी बहन गीता बोल रही हूँ। भैया एक दिन की बात है, जब मेरी शादी थी तो भरी मंडप में कमलकांत और प्रताप सिंह ने मुझे गोली मार दिया भैया। तब से मेरी आत्मा तड़प रही है और भटक रही है भैया। उठो भैया, तुम मेरा बदला चुकाओ, नहीं तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी भैया, नहीं मिलेगी। कमलकांत क्या देखता है, उठाकर फेंक दे साले को किसी पहाड़ी की ऊंचाई से। नहीं दोस्त काहे नहीं, क्या हुआ बेटा, क्यों हड़बड़ा रहे, क्यों क्या हुआ? दुर्गा बेटा क्या बात है? चाचा जी हाँ, आप ही बताइए, क्या सपने कभी सच होते हैं? सपने बेटे, सपने सच नहीं होते हैं, सपने झूठे होते हैं। मैंने तो सुना है जो सुबह का सपना होता है वो सच होता है, आप ही तो मुझे सिखाया था। हाँ बेटा, ये तो मैं कहा करता था, ये कहने की बात थी। वैसे सपने सच नहीं होते, क्यों, क्या देखा सपने में? लेकिन नहीं चाचा जी, आपने मुझे चाचा का दर्जा क्यों दिया है, पिता का दर्जा क्यों नहीं दिया है? आपको दुर्गा सिंह की कसम है, आपको बताना होगा कि मैं तुम्हारा सगा बेटा हूं या नहीं। तुझे क्या हो गया है, अचानक तुझे क्या हो गया है? आज तक तू ऐसी बहकी बहकी बातें नहीं करता था। मैं जानना चाहता हूँ आपको दुर्गा सिंह की कसम है, अगर नहीं बताया तो मैं अपने आप को गोली मार लूंगा। बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा बेटा, तू मेरा सगा बेटा नहीं है, इसलिए कि मैं जब डाका डालने के लिए एक बार विक्रो की तरफ से जा रहा था तो मैंने तुम्हें उन घड़ी झानियों में तुम्हें रोता हुआ पाया था जबकि तू गोदी में था। मैं तुझे उठाकर तेरा लालन पालन किया और मैंने ये अपने दिल में बहुत बड़ी तमन्ना रखा कि मैं इसे अपना बेटा समझकर इसकी परवरिश करूंगा, एक दिन हमारा नाम रोशन करेगा। बेटा तू मेरा सगा बेटा नहीं है। नहीं चाचा जी, हमने सपने में यही देखा, सुबह का सपना सच होता, आपने कहा था, आपने सिखाया था मुझे, आज मैंने सपने में सुबह का ही सपना देखा इस संसार में। हेलो संसार क्या कहें, मेरे पिता रघुराज सिंह की आत्मा चीख चीख के कह रही है कि बेटा दुर्गा सिंह बदला ले कमलकांत और प्रताप सिंह से, क्योंकि मेरे पिता को भरे मंडप में
कमलकांत और प्रताप सिंह ने गोली से मार दिया, मेरी बहन को मार दिया, मेरे जीजा जी को मार दिया, और चाचा जी ये भी सपने में देखा कि संसार में भी मेरी माँ जीवित है, वो भी प्रताप सिंह के हिरासत में है। चाचा जी अगर आज इस कहानी तक पहुंचने के लिए अपने प्राणों की आहुति देना पड़े तो दुर्गा सिंह हंसते हंसते दे देगा, मगर इस कहानी तक पहुंचने के लिए, इस कहानी का अंजाम देने के लिए दुर्गा सिंह पहुंचेगा। जब मेरी माँ को कुछ हो गया तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए चाचा जी इसी वक्त चलो प्रताप सिंह की हवेली। तैयार हो जा। नहीं वो साली कच्ची पक्की खा रही है। सरोलास अब तेरी जिंदगी का सितारा गुम होने वाला है। नहीं अगर मेरे तीर कहने तक तेरा बेटा हमारी बेटी को लेकर नहीं आता है तो साली हम तेरे ऊपर चढ़ाई। चलो क्रैशन गिनो निशाना मन। नंबर एक, नंबर दो। ये दुर्गा सिंह आ गए, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था बेटा। प्रताप सिंह, प्रताप सिंह ये क्या करने जा रहे हो? इस बुढ़िया को तुम नहीं मारोगे, इस बुढ़िया को मैं मारूंगा। तुम मारोगे? लेकिन इस बुढ़िया से तुम्हारी क्या दुश्मनी है दुर्गा सिंह जो तुम मारोगे? बहुत बड़ी दुश्मनी है, क्योंकि इसके बेटे कुलदीप ने मेरे हाथ पे गोली मारा है। चलो हम इसके सीने पे गोली मारूंगा, तब मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। वाह 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 दुर्गा सिंह, वाह वाह। ले जाओ पियापान जंगल में इस हराम जादी को गोली मार दो, मोह मांगा इनाम मैं तुम्हें दूंगा दुर्गा से। जरूर ले जाऊंगा। शेरा हेलो, इसको मारने के बाद इसकी मुंडी लेना, हम फुटबॉल बना के खेलेंगे। देंगे तुम्हें जरूर देंगे, मगर किसका सर देंगे तो वक्त बताएगा। शेरा इस बुढ़िया की हथकड़ी खोलो और ले चलो काली पहाड़ी। आप देखना किस तरह से हम ले जाओ शेरा, ले जाओ काम बनाने के बाद डिचो डिचो करना वहीं पर। अच्छा दोस्ती का आखिरी बार दुश्मनी का नमस्कार। आखिरी बार का मतलब क्या हुआ दुर्गा? अरे यानी दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, चलते हैं तुझे देंगे। ठीक है ठीक, चलते हैं। अच्छा हुआ, बहुत गलत हुआ कि हमको शंका हो रही है। क्या शंका हो रही है? दुख हो रहा है। क्या दुख हो रहा है रे? ये दुर्गा सिंह जाते जाते कहा दुश्मनी का आखिरी बार नमस्कार। बाबू आज चिरेऊ बोलत रही निरहुआ। हर साले चिरकुट कोई भेड़ और बकरी के बच्चे नहीं है, वो तो हम जान रहे हैं। दुर्गवा हमारा बाल बांका भी नहीं बिगाड़ सकता है, ये तो है। अगर जिस दिन हमारे साथ अगर उसने चाल चलने की कोशिश किया तो इतनी गोली मारूंगा कि खोखा बिनने वाले भी लखपति हो जाएंगे। हम कुलदीप इंस्पेक्टर को एक पत्र भेजेंगे कि अपनी माँ की जिंदगी चाहता है तो काली पहाड़ी पे आकर के मिले, नहीं तेरी माँ की खोपड़ी उठा देंगे। अब हम पत्र लिखते हैं उसे।
कहिए बूढ़ी माँ, और कहिए सरता किस हाल में? दो हफ्ते से हमारे अड्डे पे बंधी हो, खाना पीना तुम्हें मिला कि नहीं? सेरा, हमने क्या कहा था कि खाना पानी अच्छी तरह से ढंग से इज्जत से तेरी रखवाली थी, तो तूने क्यों नहीं, तूने क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया? केवल बदजुबानी करने के लिए रखा है, क्यों नहीं किया? मेरा कहना आज के बाद कहना करेगा कि नहीं, बोल। ये मेरा है, चुप, आइंदा ख्याल रखना। सेरा, जब हम कहें तभी कहना, ठीक है? हुक्म का पालन करना बेटा। अब तो तुम्हें मरना पड़ेगा बूढ़ी माँ। बेटा, एक दिन मेरी जान बचाई थी और तुमने कहा था इस एहसान का बदला मैं जरूर चुकाऊंगा, लेकिन ये क्या आप मुझे जान से मार देना चाहते हैं? मरना पड़ेगा। यह दुर्गा सिंह किसी का एहसान रखता नहीं है, सूद ब्याज के साथ उसे असूल कर देता है। शायद तुम भूल रही हो, हमने तुमने मेरी जान बचाया है अपने बेटे कुलदीप के, अपने बेटे कुलदीप से। हाँ। और हम, और हमने तुम्हारी जान बचाया है प्रताप सिंह से। हमारा तुम्हारा हिसाब बराबर हुआ ना? अब तो तुम्हें मरना पड़ेगा, क्योंकि ये दुर्गा सिंह किसी का एहसान रखता नहीं है। चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। हाथ पे गोली मारा इसके बेटे ने, ऐसे कैसे छोड़ देंगे? चुप जा, तू ही तो सबसे चापलूसी है, चुप जा नहीं तो तुझे ही हम ठोक देंगे। है साली, तपता लगे बैठ के पता नहीं क्या फुसर फुसर करती रहती सैली। सैली गिंदही, चल साली की जय खड़ी हो, चल मरने के लिए तू भी तैयार हो जा, क्योंकि चापलूसी है ना, तो अब चापलूसी का देख ले जमाना, देख ले नंबर एक। और दो जैसे चला कोई पाएगा नहीं, चल दे खड़े हो सीधे। बढ़िया बूढ़ी, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर मैं कहता हूं मेरी दुर्गावती को छोड़ दे, नहीं तेरी माँ की खोपड़ी उड़ा दूंगा। दुर्गावती की खोपड़ी आसमान में नजर आएगी। चुप हो जा, नहीं तो दोनों का किस्सा खत्म कर दूंगा, ज्यादा बोलेगी तो। मैं आखिरी बार फिर कहता हूं मेरी दुर्गावती को छोड़ दे, नहीं तो ऐसे डर। कल भी मेरे हाथ पे गोली मारा, आज भी। अगर तुम्हारी माँ को मारना होता तो मैं कब का ही मार चुका होता। जरा मेरी राइफल उठा कर देखो, अगर एक ही उसमें गोली हो। लेकिन इतनी हमदर्दी आखिर मेरे मखे तुम्हारे दिल में किस लिए है? इतनी हमदर्दी तेरी बूढ़ी माँ बता सकती है, इतनी हमदर्दी क्यों है? बोल माँ। बूढ़ी माँ, आज तुम्हारे बेटे कुलदीप की कसम है, आज तुम्हें सच्चाई बताना होगा, आज तुम्हें सच्चाई बताना होगा कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन था, मैं जानना चाहता हूं। बोलिए, तुम्हारे बेटे की कसम है, आज तुम्हें सच्चाई बताना होगा, और इस सच्चाई को मैं जानना चाहता हूं। बेटा, हमारे परिवार में हमारे पति रघुराज थे,
और मेरी बेटी गीता थी और मैं थी। हाँ बेटा, तो क्या हुआ? इतना हंसता खेलता परिवार था मेरा। उसके बाद क्या हुआ बूढ़ी मम्मा? जाना चाहता हूँ। मेरी बेटी सारी थी, मैंने अपने पति से कहा कि बेटी गीता की शादी रचा दो। एक दिन हम और हमारे पति अपनी बेटी की शादी रचा रही थी, उसी मंडप में कमलकांत व प्रताप सिंह आकर मेरे पति को मार दिया, मेरी बेटी को मार दिया, मेरे होने वाले दामाद को मार दिया। हाँ बेटा, लेकिन उस वक्त मैं गर्भवती थी, मेरे कोख से दो औलाद हुए। हाँ बेटा, एक औलाद को मैंने दासी को देकर मैं उस हरामजादे प्रताप सिंह की हवेली पहुंची। तो क्यों? और वो खुशियां मना रहा था क्योंकि उसके ठकुराइन ने एक सुशील कन्या का जन्म दिया था, इसलिए मैं पहुंच गई। मैं हंसने लगी, मैंने कहा इस खुशी में आज मैं भी शामिल होना चाहती हूँ। तो क्या हुआ? उसने मेरे मुंह से इतना निकला कि मैं आज तेरे दामाद का चेहरा दिखाने आई हूँ। तो इतने पे मुझे बहुत मारा बेटा, और मेरे बच्चे को छीन लिया। ना जाने मेरा बेटा इस संसार में है या नहीं। मगर बूढ़ी माँ, अगर तुम्हारा बेटा अगर तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या उसे पहचान सकती हो? हाँ बेटा। वो कैसे? मेरे बेटे के सीने में चक्र का निशान है जिसे मैं अपने हाथों बनाया है। चक्र का निशान? हाँ। मगर बूढ़ी माँ, एक चक्र का निशान तो मेरे भी सीने में है, देखो। बेटा, माँ, बेटा, मैं इस कहानी तक जानता था, मगर क्या करूं, मैं इसी कहानी तक पहुंच गया। माँ, मैं इस कहानी को जानता था, मगर इस कहानी तक पहुंचने के लिए मैं ऐसा किया है, मुझे माफ कर दे माँ। बड़े भैया, अगर हम जानते कि हम मेरे बड़े भाई हैं, तो आपके ऊपर हम हाथ नहीं उठाते। मेरे छोटे भाई, हमें क्षमा कर दीजिए। मेरे छोटे भाई, हाथ जोड़ करके मुझे शर्मिंदा मत करो। नहीं, अगर काश मैं जानता कि तू मेरा छोटा भाई है, तो क्यों ना मुझे अपने हुक्म का उल्लंघन करना पड़ता, अपने कानून का उल्लंघन करना पड़ता। लेकिन मैं आपके ऊपर हर किसी नहीं। बड़े भैया, अगर तुम्हारी जगह मैं भी होता तो वही करता जो आपने किया है। एक बार अपने बड़े भाई को सीने से लगा ले। लगा भैया। लेकिन नहीं भैया, आप अपनी कानून की रक्षा करिए, और जब तक प्रताप और कमलकांत को मिटा नहीं दूंगा तब तक मैं चैन से बैठूंगा नहीं। ए दुर्गावती, देखा मेरी हालत को देख रही ना? जा अपने पिता प्रताप सिंह से कह देना, आज के बाद दुर्गा सिंह दोस्त नहीं, आज के बाद दुश्मन है। दुश्मन तुझसे बदला लेने के लिए बहुत शीघ्र आ रहा है। निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से, नहीं गोली मार दूंगा। निकल जाओ, निकल जाओ। मैं बड़े भैया, जब तक प्रताप सिंह और कमलकांत को मिटा ना दूं, तब तक मेरे हाथ में हथकड़ी नहीं लगाना। उसके बाद चाहे मेरे सीने पे गोली मार देना, मैं हंसते हंसते शहीद हो जाऊंगा। तब तक भैया और माँ, तेरे चरणों की सौगंध खा के कहता हूँ, जिसने तेरे मांग के सिंदूर को उजाड़ा है, उनको मैं जिंदगी से निजात करूंगा। तेरे चरणों की सौगंध खा के जाऊं।
और सरता सरता क्या है? जाओ जाओ अपने पिता से जाकर के बोल लो, जिसे कुलदीप इंस्पेक्टर को तुम दोस्त समझते हो वो तुम्हारा दुश्मन है। अरे वो और कोई नहीं, ठाकुर रघुनाथ सिंह का खून है और तुम्हें मिटाने के लिए बहुत चल जाता है। जाओ मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ। मैं कहता हूँ कि अपना मनहूस चेहरा, अपना मनहूस चेहरा मेरे नजरों के सामने से मत निकाल दो और निकाल जाओ, मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ। मैं कहता हूँ माँ बेटा चलो चलो जहाँ हमारा और आपका इंतजार हो रहा है, क्योंकि मेरा छोटा भाई गया है, इसके लिए इसके पीछे चलना हमारा भी फर्ज है। हाँ बेटा आओ मेरी माँ, आओ मेरे साथ।